स्वामी कौन है? जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, ये सबसे पीछे बैठ कर कथा सुन रहे थे। और सूत मतलब होता है जो छोटे जाति में जन्म हो। महाभारत देखे होंगे, कर्ण को अर्जुन और भीम बारंबार सूत पुत्र बोल के टोंटिंग करते थे। तो छोटे जाति के व्यक्ति बैठ जाए यहाँ पर, इसलिए जो रथ को चलाने वाले उनको सूत कहते हैं। इसलिए श्री सुत गोस्वामी जब आए, लेकिन है तो छोटे जाति में जन्म है, लेकिन ये भगवान की भक्ति में एक विशेष बात है। कहते जात पात कुछ ना कोई, और हरि का भजा सो। अब बोलो हरि का भजा सो, हरि का होई। भगवान की भक्ति में कोई जात पात का विचार है नहीं। आप बताओ हनुमान कौन सा जात में जन्म ली? हनुमान खुद कहते हैं, सवेरे उठ करके मेरे जो मुंह देख ले, मेरे नाम ले, उसको दिन भर भूखा रहना पड़ेगा। ऐसे कुल में मेरी जन्म, बंदर कुल में। कोई बंदर अगर घर में घुस जाए ना, भले अपवित्र हो गया, उसको साफ सुथरा कर दो। बोले ऐसे जात में मेरी जन्म हुई। लेकिन राम के नाम की महिमा देखो, राम की भक्ति की देखो। मैं राम का नाम लेता हूँ, राम का भक्ति करता हूँ। आप देखना भगवान राम की जितने पूजा होती होगी, उससे ज्यादा पूजा श्री हनुमान की होती है। राम की जितना मंदिर, उससे ज्यादा हनुमान की मंदिर देखो, है कि नहीं? क्यों? भगवान की भक्ति की ये महिमा है। आप बताओ सबरी कौन से जाति में जन्म हुई? सबरी जाति में है। कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सब सगाई, इसलिए सबरी के झूठे भेद ठाकुर जी खाए। बोले बहुत विध स्वाद बताए। अब बताओ हमारे श्री गुह का चंडाल, चंडाल घर में जन्म हुए, भगवान की मित्र है। विभीषण राक्षस घर में जन्म हुए, लेकिन राम की भक्त है। इसलिए यहाँ पर यद्यपि ये सूत है, छोटे जाति में जन्म हुए हैं, लेकिन ये भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए जब उन्होंने आए, ये सौनकादि ऋषियों ने उनको आसन दे करके बैठाए। बोले आप बड़े भाग्य है, आज संतों का दर्शन मिला। तब उनको आसन दे करके बैठाए। बोले हे सुत गोस्वामी, ये घोर कलियुग है। बोले कलियुग कहते हैं किसको? बोले प्राप्ते कलियुगे घोरा नरापन्ना विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परान मुखम। बोले कलियुग में लोग सबके सब झूठ बोलेंगे, सबका परमायु धीरे 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 नष्ट होते जाएगा। सत्य युग में लोग रहते थे 100,000 साल तक, लेकिन जब त्रेता युग आया, 1 शून्य हटा दो हो गया 10,000। द्वापर युग आ गया, उसको 1 शून्य हटा दो हो गया 1,000। कलि युग आ गया, 1 शून्य हटाओ कितना हो जाएगा? बोलो जोर से, 100। अभी कलि युग में 100 साल भी कोई जीता नहीं रहता है, क्योंकि कोई चीज प्योर है ही। आप देखोगे प्योर घी लिखा होगा, प्योर घी हैं। कुछ दिन पहले पकड़े गए अलीगढ़ में, केवल हाटी को गला गला कर घी बना रहे थे, सेंट डाल कर लिखा होगा प्योर घी। लेकिन प्योर घी 1 किलो कितना है? 2,000 से ऊपर पैसा है। अब बताओ 1,000 से कहां से आपको प्योर घी मिल रहा है? इसलिए कोई भी चीज लोगों मार्केट हाईब्रिड देकर बनाते हैं सबके सब। इसलिए कलियुग में धीरे धीरे सब चीज को खाते 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 लोगों का परमायु घटते जाएगा। दूसरी है, कलयुग में कोई ब्रह्मचर्य भी पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्मार्टफोन जो टीवी भी आ गई ना, ये तो ब्रह्मचर्य को सत्यानाश कर दिया है। इसलिए कलयुग में कोई ब्रह्मचर्य भी पालन नहीं कर पाएंगे। और कलयुग में बोले मंदा सुमंदा मतयो, देखना स्वाभाविक रूप में मन गंदी चीज का तरफ में जाएगी। आप बैठे भजन के लिए बैठे 10 मिनट, 1 मिनट भी मन नहीं लगता भजन में। स्वाभाविक रूप में मन गंदी चीज में जाएगी आपको। और इतना बात बताया आपको, मैं बता नहीं सकता हूँ कलयुग का जो वर्णना किया है, कलयुग में आने पर क्या क्या बने वाले हैं। इतने गंदी गंदी बात बताई कलयुग में, और धीरे 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 सचमुच हो रहा है। बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य जुपतुता। कलयुग में क्या होगा? बोले बड़े उपद्रव भजन करने में। अगर पति अगर थोड़ा प्रभु की भक्ति करे, भजन करे, पत्नियां बोलेगी क्या बात है, कोई काम धाम नहीं? जब देखो माला लेकर बैठ जाते हो। अगर पत्नियां अगर किसी सत्संग से आए, थोड़ी भजन करे, पति लोग क्या बोलेंगे? बोले कौन सा बाबा की चक्कर में तू पड़ गई,
अगर बच्चा अगर भजन करे बोले ये कोई तेरा उम्र है भजन करने का, अभी से सब क्या हरिनाम का भजन क्या कर रहे हो। लेकिन अगर सिगरेट पी है शराब पी है बोले ये उम्र है, लेकिन भक्ति करते बोले कोई उम्र है भजन करने की तेरी। ये कलयुग में इतने उपद्रव, कलयुग में भक्ति के लिए तब श्री सौनकादि ऋषि लोग कह रहे हैं, लेकिन आप तो गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण इतिहास को आपने गुरु जी के आशीर्वाद से आपने सब कुछ अध्ययन किया, आप कृपा करके बताओ जीव का कल्याण कैसे हो। तब उन्होंने 6 प्रश्न किया ये सौनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को, कि जो संपूर्ण भागवत है वो 6 प्रश्नों को आधार करके ही ये पूरी भागवत है। अभी वो 6 प्रश्न क्या मैं बताऊंगा आपसे, पहले कल सुनूंगा ठीक है, और लास्ट में फिर मैं पूछूंगा, और जो उत्तर देगा ना उसको एक किताब दूंगा ठीक है। इसलिए सुन लो 6 प्रश्न किया है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, जो प्रश्न है वो अरब खरब रुपया की प्रश्न है। पहला प्रश्न है ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, याद रह गया? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। हम लोग देखना हम जीवन में क्या चाहते हैं, शांति सुख पे चाहते हैं ना, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देख लेना, जैसे सामने कोई एक समस्या, हम सोचते हैं किसी तरह से ये समस्या हल हो जाए शांति मिलेगी। अब देखना एक समस्या तो दूर हुई नहीं, देखना पीछे और एक समस्या खड़ी है, कोशिश करेंगे किसी तरह से ये 2 समस्या हल हो जाए शांति मिलेगी। आप देखना 2 समस्या गई नहीं, पीछे और एक समस्या पीछे खड़ी है। जैसे हाथी दलदल में फंस जाती है ना, ऐसे जीव सुख किसको मांगते हैं, जीवन में सुख नहीं मिलती है, वो केवल दुख का प्रतिकार को ही हम सुख मान रहे हैं, सुख ने हाथ में नहीं आती है। समझ रहे कि नहीं, समझ रहे हो? सुख नहीं है, दुख का प्रतिकार को सुख मान रहे हैं, शायद ये होने पर सुख मिलेगी, लेकिन वो मिलती नहीं, होती नहीं, वो प्रतिकार ही नहीं किया। हाँ प्रतिकार ही नहीं हुआ, दुख गया नहीं, सुख मिलेगा कहां से? ऐसे ही करते करते देखना जीवन खत्म। ये इसका पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिले, ध्यान देकर सुनना इसका उत्तर क्या देते हैं, अगर सचमुच से कोई शांति पाना चाहते हो। दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवान हमें कैसे मिलेंगे, कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है। देखो पहला प्रश्न से जुड़ा हुआ है, यदि ये शांति सुख कब मिलेगा, जब जीवन में जब भगवत प्राप्ति होगी तभी जीवन में शांति मिलेगी, उसको पहले शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन तत् प्रसादात पराम शांति, जब तक जीव मुझे प्राप्त नहीं कर लेते भले ही लाख चेष्टा कर लो कभी भी ये संसार में सुख नहीं मिलेगा। जिसने ये दुनिया बनाया वो खुद कहता है ये दुख का घर है, ये संसार क्या है, दुखालयम, ये दुख का घर है। असा सतम, संसार में सब अनित्य है, एक दिन क्षण भंगुर है, जिसने बनाया वो खुद कह रहा है ये बात को। इसलिए कहते हैं दूसरा प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है। भगवान मिलने पर तब तो प्रभु मिलेंगे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने 7 उदाहरण दिया है, वो 7 उदाहरण देकर समझाते हैं। कहते अगर कोई बोले पानी को मंथन करते करते हमने घी निकाल दी, आप बताओ पानी को मंथन करते करते कब घी निकलेगा। गोस्वामी जी कहते मैं कभी मान सकती हूँ। कहते अगर कोई बोले रेती को पीस पीस करके तेल निकाल दी, आप बताओ रेती को पीसने से कभी तेल निकलेगी। कहते मैं ये भी मान सकता हूँ। अगर कोई बोले आकाश में फूल खिल रहा है, कभी देखे हो आकाश में फूल खिलते हुए, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले खरगोश का सींग उग गया है, खरगोश का सींग कभी होता है, होता नहीं, बोले ये भी मैं मान लेता हूँ। कोई बोले बर्फ के ऊपर में आग जल रहा है, ये बर्फ के ऊपर कभी आग जलती है, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले बांझ का बच्चा हो गया, इसलिए तो बांझ बच्चा नहीं, बोले ये भी मैं मान सकता हूँ। कोई बोले कछुए के पीठ के ऊपर बाल उग गया, वो इतना कठोर है कोई बाल हो ही नहीं सकता। वो 7 उदाहरण देकर समझाए ये असंभव कभी संभव हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है हम भगवान की भक्ति भक्ति कुछ नहीं करते हम सुखी है, गोस्वामी जी कहते मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा,
हरि से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को शांति नहीं मिली। लेकिन हमारे मन में क्या बैठा जानते हो, ज्यादा पैसा कमाने पर सुखी हो जाए, है कि नहीं? रावण के पास में क्या नहीं था बताओ, सोने की लंका। हमारे घर में कितना सोना होगा, 5 किलो है किसको घर में, 10 किलो ना, 20 किलो ना, कितना किलो है, जिसका लंका ही सोना ही है। हम सोचते हैं अच्छे किसी लड़की से शादी होने पर सुखी हो जाएंगे। उसकी पत्नी का नाम थी मंदोदरी। मंदोदरी पता है मतलब क्या, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर बहुत ही पतली थी। विश्वकर्मा की बेटी थी, सारे अच्छे गुण देकर के बेटी बनाई थी। रामायण पर सुने होंगे, जब हनुमान जी सीता को ढूंढने के लिए गए, उन्होंने मंदोदरी को देख करके भ्रमित हो गए, बोले यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, इतनी सुंदरी। उसके घर में एक सुंदरी नहीं, जहां से उसको मिला, जहां से उसको सुंदरी पत्नी मिली, पकड़ पकड़ करके उसने घर में शादी करके रखी थी। हैं? और सोचते हैं घर में अगर आज्ञाकारी बेटा होगा तो सुखी हो जाएंगे। मेघनाथ जैसे बेटा, इतने आज्ञाकारी बेटा घर में। लेकिन शंकर जी से रावण प्रार्थना करता है, हे भोले बाबा, कदा सुखी भवा मैं अहम, जीवन में कब शांति सुख मिलेगी, जीवन बचे ही नहीं है, जीवन में शांति सुख नहीं। भैया ये दुनिया की वस्तु कभी भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती है, ये चीज को शिक्षा दे रहे हैं। शांति सुख अगर दे सकता है, कृष्ण कहते हैं तमेव शरणम गच्छम सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांति। जीवन में तभी परम शांति मिलेगी जब हम ठाकुर की शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे तभी जीवन में शांति मिलेगी। इसलिए अब लोग रामायण पढ़े होंगे, देखना हनुमान जी जब लंका में गए, लंका को जलाया कि नहीं, आग जलाया था, लेकिन पूरा लंका को जला दिया, बताओ तो किसका घर में आग नहीं लगाई, जोर जोर से बोलो, क्यों उसकी घर में क्यों आग नहीं लगाई, सबको क्यों जला दी। वो शिक्षा देते हैं राम के शरण में जो आएगा ना, हनुमान जी को, शंकर जी, शंकर जी का काम क्या, संहार करना, संहार करना शंकर जी की। वो शिक्षा देते हैं जो प्रभु राम की शरण में आएगा वही बचेगा। इसलिए लंका में सबको प्रभु राम मारे, लेकिन किसको छोड़े, विभीषण को छोड़ दिए, क्यों, प्रभु राम की शरण में था। इसलिए हनुमान जी घर में लंका नहीं, आग नहीं लगाई, सबके सब मरे वही व्यक्ति बचा ही। इसलिए शिक्षा क्या देते हैं, सबके सब लंका में बेचैन में रह रहे थे, लेकिन चैन में कौन रह रहा था, विभीषण ही रह रहा था, क्यों, प्रभु राम की शरण में था। वो शिक्षा देते हैं प्रभु की शरण में अगर रहेंगे ना भैया तभी सुखी रहोगे, प्रभु की शरण में नहीं रहोगे ना, हनुमान जी कहते पूरा तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, क्योंकि शंकर जी का काम संहार करना है। इसलिए भैया जब श्री विभीषण देखो प्रभु शरण में आने का कितना महत्व, ये चीज को समझ लो। जिस समय विभीषण ने रावण को समझाने के लिए गया, देख भैया हम कुलस्थ वंशधर है, हमारी कर्तव्य नहीं पराई स्त्रियों को उठा करके ले आना, हमारी धर्म नहीं, माँ सीता लक्ष्मी है, जाओ प्रभु के चरण में दे आओ, स्वयं भगवान राम। लेकिन रावण ने क्या कि लात मारकर भगा दिया उनको, लात मार करके। विभीषण ने अपना मुकुट उतार करके प्रभु राम के शरण में आ गए। अब देखेंगे जब शरण में आए, इतने में भगवान राम ने विभीषण को राज तिलक लगाया, बोले लंकेश, क्या बोले उनको, लंकेश। इतने में वहां पर था सुग्रीव, बोले प्रभु लंकेश कैसे कह रहे हो, लंकेश तो अभी रावण है, आप इसको लंकेश कैसे कह रहे हो, अभिषेक करा के उनको अभिषेक कर दिया। बोले अगर 1% रावण अगर आपका शरण में आ जाएगा, फिर रावण को क्या दोगे बताओ, आप इनको कह रहे हो लंकेश। देखो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं अगर रावण 1% आ जाएगा ना, उसको मैंने अपना अयोध्या दे दूंगा। बोले अयोध्या तो भरत को देख करके आए हो, अयोध्या तो आपने भरत को देख करके आए, फिर आप भरत को क्या दोगे। बोले भरत को अपना सांकेत धाम वैकुंठ दे दूंगा, कहां दे दूंगा, मैं वैकुंठ दे दूंगा। बोले प्रभु रावण को तो दे दिया अयोध्या, फिर भरत को दे दिया वैकुंठ, और विभीषण को दे दिया लंका, फिर आप कहां रहोगे।
आपके लिए तो कोई स्थान होनी चाहिए। देखो ठाकुर कितने दयालु, भगवान क्या कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद सब कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते मैं जोगियों का हृदय में रहता हूँ, उनके हृदय में भी नहीं रहता। बोले कहाँ रहते हो, बोले जहां पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं सत्संग करते हैं मैं वहीं पर रहता हूँ, वहीं पर मैं रहता हूँ। इसलिए मेरे जो स्थान है वो संत का हृदय ही मेरा स्थान है, मैं संतों के हृदय में रहता हूँ। देखो भगवान ये चीज को समझो, केवल विभीषण ने प्रभु की राम की केवल शरण में चला गया तो भगवान उसको लंके से बना दिया, मतलब प्रभु की शरण में आने का कितने महत्व है। इसलिए भगवान सप्त समुद्र को साखी करके कहते हैं, कहते सक्रीति एव प्रपर्णा जस्तवाम स्मितते जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। जैसे हम लोग व्रत रखते हैं ना, हम लोग व्रत रखते हैं, ठाकुर भी कहते मैं भी व्रत रखा हूं। बोले प्रभु आप कौन सा व्रत रखते हो, हम तो आपके लिए व्रत रखते हो। भगवान कहते ये मेरा व्रत है, अगर सच दिल से एक बार कोई बोल दे भगवान मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो मैं तेरा हूं, अगर एक बार कोई बोल दे, भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मयी, मैं हर समय उसको मैं अभय प्रदान करता हूं, उसको मैं अभय प्रदान करता हूं। इतने महिमा ठाकुर की शरण में आने का, इसलिए क्या करनी चाहिए, हमें ठाकुर जी की शरण में जानी चाहिए, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए जो दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या, जो तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान श्री बांके बिहारी जी की, भगवान कृष्ण की हमें प्यारी प्यारी कथा सुनाओ। उनका जो चौथा प्रश्न है, केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। इसलिए भगवान कभी वराह अवतार में आए, भगवान कभी राम बन करके आए, भगवान कभी बामन बन करके आए, भगवान कभी नरसिंह बन करके आए, उनकी अवतारों का भी कथा सुनाओ। उनका जो पंचमा प्रश्न है, भगवान की जस हमें सुनाओ, कैसे भगवान 7 साल के थे और उन्होंने 7 क्रोश गिरिराज उठा लिया, 7 दिन तक 7 साल की बालक 7 क्रोश गिरिराज को कैसे उठाया, भगवान कैसे एक कृष्ण लेकिन 7 करोड़ गोपियां थी, हर गोपियां देख रहे थे कृष्ण हमारे साथ में, कृष्ण हमारे साथ में हैं। और भगवान के नाम की कितने महिमा, अजामिल ने अपना बेटे को नारायण नाम लिया था, भगवान को नहीं बुलाया था, अपना बेटे का नाम नारायण लिया तो उसने सारे पाप से मुक्त होकर के वैकुंठ विजय किया। इसलिए आप कृपा करके ये समस्त भगवान की महिमा को सुनाओ। और जो छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये जगत छोड़ करके गए, ये कलयुग में धर्म कहां पर आश्रय लिया, कहां आश्रय लिया, बोले ये भागवत ग्रंथ में ही आश्रय लिया। उनको ये 6 प्रश्न है, जब 6 प्रश्न की इसको सुन करके श्री सुत गोस्वामी का हृदय एकदम गदगद हो गया, उनकी रोम रोम खिल उठा, बोले वाह तुमने कितने सुंदर प्रश्न किया है। बड़े प्रसन्न होकर के बोले प्रसन्न क्यों हुए, बोले तुमने ऐसे प्रश्न की है जिसमें कोई दुनियादारी की कोई चर्चा ही नहीं, जिसमें केवल हरी चर्चा है। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जब किसी सचमुच से संतों को पास में जाओ ना, दुनियादारी बात हमें नहीं करनी चाहिए, वहां पर हरी चर्चा करो जिसमें मन को शांति सुख मिलेगी, तभी संत सुखी होते हैं। दुनियादारी की बात करने से क्या होता है, उनको भगवत स्मरण भुला करके हम उनको दुनिया में ले आते हैं। बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के बोले सर्वप्रथम मैं अपना गुरु जी के चरण को पूजा करके वंदना करके मैं तुम्हारी प्रश्न को उत्तर देता हूँ। तब गुरु जी की प्रणाम करते हैं, बोले बंदो गोरो पद पदो मा प्यारा
गोविंद दो खड़े काक लाग पाऊं बली हरी श्री गुरु जी जो गोविंद दियो बताऊं। इसलिए सबसे पहले कहते प्रथमंत गुरुम पूज्यम ततश्चैव ममार्चनम। कृष्ण खुद कहते हैं, कहते पहले गुरु जी की पूजा करनी चाहिए, उसको बाद में मेरी पूजा करो। जो व्यक्ति गुरु जी की पूजा किए बगैर मेरी पूजा करता है, भगवान कहते उसका पूजा निष्फल हो जाता है, उसको पूजा करने का फल नहीं मिलती है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपना गुरु जी की पूजा की। बोले भैया मेरे गुरु जी कौन? बोले मेरे गुरु जी साधारण व्यक्ति नहीं, मातृ गर्भ में बच्चे 9 महीना रहते हैं। मेरे गुरुदेव तो 16 साल तक थे, सुखदेव गोस्वामी। एक दिन व्यास देव आकर के बोले, बोले बेटा तुमने माँ को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो? जो माताओं ने गर्भधारण की 9 महीना बच्चा पेट में रहता है, कितना कष्ट होता है। अगर कोई बच्चा 16 साल तक रह जाए तो बोले माँ को इतने कष्ट क्यों देते हो बेटा, बाहर निकल करके आ जा। बोले गुरु जी मैं ना बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले मातृ गर्भ में जीव को जो बड़ा कष्ट होता है वो भगवान को पुकारता है। बोले प्रभु मेरे को ये मातृ गर्भ से निकालो, ये मातृ गर्भ नहीं, ये नरक का स्थान है, चाहे टाटी पेशाब का स्थान और कुछ है ही नहीं। आज रसगुल्ला खाओ तो कल बिष्टा बन करके निकलती है, इतने गर्मी पेट को अंदर में 40-45 डिग्री गर्मी पेट के अंदर में है। इसलिए बच्चे को 1000 साल की याद आता है, मैंने पूर्व पूर्व जन्म में कैसे कैसे कर्म किया और उसका फल कैसे भोग कर रहा हूँ। हमारे साथ में कोई भी साथ देने वाले नहीं, भगवान को पुकारता है। बोले प्रभु मेरे को निकालो। ठाकुर कहते बताओ क्या करो? बोले मैं समझ गया संसार में कोई किसका ही नहीं, मैं जिन लोगों के लिए पैसा कमा करके गलत काम से किया था उसको कहा है, वो पत्नी कहाँ, वो पति कहाँ, बच्चे कहाँ। एक बार हमें जन्म दे दो, उठते बैठते सोते तेरा ही भजन करूंगा। भगवान कहते हैं दुख कष्ट पाकर के बोल रहे हो, लेकिन जब जन्म दे दूंगा ऐसे नहीं प्रभु की भजन ही छोड़ दोगे ऐसे नहीं। तो बोले प्रभु कभी नहीं, मैं जरूर तुम्हारी भजन करूंगा, कसम खाता है। बोले देखो अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में मैं तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले प्रभु क्या वार्निंग दोगे? बोले जब एक बाल पक जाए ना मेरे फर्स्ट वार्निंग। आप लोग ध्यान लगा कर देखना जब बाल पकता है कहाँ से, देखना यहीं से पकता है। सबसे पहले कानों को पास में बाल पकता है, मतलब पहले वो बेल बजा दिया। बोले भगवान से तू क्या बोल करके आया था? भजन करोगे, हरि का नाम लोगे? कितने समय हरि का नाम ले रहे हो? कितने समय टीवी स्मार्टफोन में लगे पड़े हो हैं? इसलिए पहले कान बाल पक गया, लेकिन हम क्या करते हैं ना उसको उखाड़ देते हैं। बोले इतना जल्दी बुढ़ा बुढ़ी बना रहे हो, हमारा कुछ नहीं हुआ। अरे दो बाल पक जाएगी तभी उखाड़ देंगे, तीन, लेकिन जब खिचड़ी बन जाएगा फिर कलर कर देते हैं, फिर उसमें मेहंदी लगा कर कलर कर, उसको वार्निंग को नहीं सुनते हैं। भगवान कहते फिर मैं दूसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या क्या दोगे? बोले आंख में कमजोरी आ जाएगी। फिर बढ़िया गगले चश्मा पहनकर हीरो बनकर घूमते हैं। बोले हमारी कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते बोले तीसरा वार्निंग दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले तुम्हारी जो एक के जो दांत है ना तोड़ना शुरू करूंगा, ये थर्ड वार्निंग है। लेकिन फिर डेंटिस्ट के पास में जाते हैं, फिर 32 दांत लगाकर खिलखिला के हंसते, बोले हमारा कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते फिर फोर्थ वार्निंग दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले 2 प्यार से 3 प्यार हो जाएगा, फिर डंडा पकड़ना शुरू करोगे, डंडा पकड़ना शुरू करोगे। भगवान कहते फिर फिफ्थ वार्निंग नहीं दूंगा। बोले हरी
क्या करूंगा, राम नाम सत्य है, फिर वो आदमी कुछ नहीं दूंगा। इसलिए ये जो चीज है ना, ये एक एक आदमी की है। भगवान कह रहे माँ को, बोले माँ समय रहते भजन कर लो, ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये 84 लाख जन्म पर जो जीवन मिला है, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम खड़े हो। अगर भजन नहीं करोगे फिर वही 84 लाख जन्म में जाना पड़ेगा। तो जब राम नाम सत्य हो जाता है, आप लोग देखे होंगे 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते, देखे हो कौन कौन, कौन कौन देखे, सब देखे हो आप, देखना अर्थी में उसको लेटा करके हाथ पैर को बांध देते, रस्सी से बांधते, बांधते कि नहीं, लेकिन सर को पास में तकिया रख लेते, सर को नहीं हाथ पैर को बांधते, आप देखे होंगे उसको, जब ले जाते हैं बोलते हैं, बोले राम नाम सत्य है, यही बोलते हैं ना, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, किसको सुनाते हैं, वो जो ऊपर लेटा हुआ क्या बोलते हैं, बोले जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया है अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, सब कोई बात झूठा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ जीवन में किया है एक सुई धागा भी यहां से तू ले नहीं पा रहे हो। जिस पत्नी से शादी की वो रो रो करके दरवाजा तक जाएगी, उसको आगे नहीं जाएगी। जो परिवार तुमने बनाई वो शमशान तक जाएंगे, वहीं पर खोपड़ी में घी भर करके फोड़ करके जला करके वापस आ जाएंगे, आगे कुछ भी नहीं जाएगा। जितने राम और कृष्ण का नाम लिया वही तेरे साथ में जाएगा। इसलिए कहते राम नाम सत्य है। अरे अंतिम समय एक बार राम का नाम तो ले, नहीं तो एक बार कृष्ण का नाम ले ले। आप देखना जब 4 व्यक्ति ले जाते हैं ना, उसको बोल करके हाथ पैर तो बंधा, सर तो बंधा नहीं हुआ, उसको सर ऐसे ऐसे होता है, बोले अभी तो राम का नाम ले, बोले अभी भी नाम नहीं लूंगा, अभी भी प्रभु का नाम नहीं लूंगा, ऐसे सर हिलता रहता है, बोले अभी भी नहीं लोगे, चल तेरे को दिखाते, पर चिता से जाते, बोले अभी तो ले, बोले नहीं लोगे तो बेटा क्या करता है, मुंह में अग्नि देता है। पता है क्यों मुंह में अग्नि देते हैं, देखो ये चीज को समझ लो, बोले भगवान तेरे को जो मुंह दिया था भगवत भजन के लिए, हरि का नाम लेने के लिए, लेकिन इसी मुंह में तुमने हरि का नाम नहीं लिया, दुनियादारी बात तो मेढे को जैसे टट्टर करते रहा, दुनियादारी बात करते रहा, लेकिन इसी मुंह में तुमने हरि की नाम नहीं लिया, इसलिए तेरे मुंह में आग है, इसलिए देते हैं। लेकिन हमारी वैष्णव जगत में, भक्ति जगत में मुंह में आग नहीं देते, उसकी चरण में आग देते हैं। बोले क्यों, बोले जिसने इस जीवन पा करके हरि की भक्ति की, ये अग्नि नहीं, ये अग्नि नहीं, ये देवता है, बोले ये अग्नि देवता भी तुम्हारी चरण की पूजा कर रहा, चरण की पूजा करता है, इसलिए वैष्णव जगत में ये अग्नि मुंह में नहीं उनकी चरण में देते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए, समय रहते भैया हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार, और एक बार जोर करके बोलो, बोले सर्वप्रथम गुरु जी श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करके फिर प्रश्न का उत्तर देते हैं। बताओ तो पहला प्रश्न क्या था, 6 प्रश्न में पहला प्रश्न क्या था, कौन बोलेगा, हाथ उठा, बोलो क्या प्रश्न था, आत्मा को, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो ये पुस्तक उसको दे, देखो इसलिए आप, कौन बोलेगा दूसरी प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न क्या था, बोलो बोलो, हाँ ये तो हो गया, हाँ भगवत प्राप्ति सबसे सरल होता है, उनको ये पुस्तक दे दो, हाँ जो बोले, जो बोलेगा एक पुस्तक मिलेगा, ठीक है, हाँ इसलिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, देखो इसका उत्तर ये सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। अगर इतना अगर जीवन में अपना लिया ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत कह रहा है, समझो जीवन में हम शांति जरूर हमें मिलेगी,
बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रध्वक्ष जे आहे तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति। बोले आत्मा को तभी पूर्ण शांति मिलेगी जब ये जीवात्मा परमात्मा की शरण में जाए। इसलिए बोले सबई पुंसांग परो धर्म, हर व्यक्तियों का धर्म बहुत तरह का धर्म है, देश धर्म, जाति धर्म, पिता माता धर्म, बहुत सारे धर्म है, लेकिन ये सारे धर्म में को जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है ये भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना ही यही जीव की सर्वश्रेष्ठ धर्म। आप बोलोगे फिर परिवार के लिए, जैसे पिता माता भाई बंधु उनके लिए, बोले इनके लिए धर्म नहीं, हमारी कर्तव्य है, जैसे पत्नी की पालना करना, पिता माता की सेवा करना, परिवार को प्यार देना, ये कर्तव्य है, ये धर्म नहीं है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कि पानी है, जैसे यहाँ पानी डालो तो किधर जाएगा बोलो, वो पानी किधर जाता है, वो नीचे जाएगा, नीचे जाकर नाली में, फिर नदी में, लास्ट में समुद्र में जाकर मिलेगा, क्योंकि जो पानी है वो समुद्र से ही आया है। जैसे कोई ईंट नहीं तो पत्थर ऊपर को फेंको किधर आएगा, वो नीचे ही आएगा, क्यों, वो पृथ्वी का ही एक टुकड़ा है। जैसे दिया जलाओ, बताओ उसका लौ किधर जाएगी, ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि मूल वो सूरज है, सूरज है। उसी तरह हम जीवन में, आप बताओ हम जीवन में सुख चाहते हैं ना दुख चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं ना, फिर हम जीवन में दुख क्यों नहीं चाहते हैं, यही चीज को समझ लो, जीवन में हम दुख क्यों नहीं चाहते, सुख क्यों चाहते हैं। बोले कारण है, जो भगवान जो है, बोले सच्चिदानंद रूपाय, ये चीज को समझो, भगवान की तीन स्वरूप है, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। देखना जीवन में यही तीन चीज को हम ढूंढते हैं, भगवान सत्य स्वरूप है। अब बताओ दुनिया में कौन बूढ़ा बूढ़ी बनना चाहते हो, कोई नहीं, एक बाल पक गया ना देखा तो उखाड़ देते हैं, भले ही 80 साल के हो गए, भले ही आप देखना शीशा में जब अपना रूप को देखो, कोई सोचता है 80 साल के हो गए, नहीं, 100 साल हो गया, देखना 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठे रहते हैं। कारण क्या, कारण क्या, कारण है भगवान सत्य स्वरूप है, हम उनके अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश हम है। इसलिए हम क्या चाहते, देखो भगवान के इतने सखा सखियों को देखना, सब 10-11-15 साल से ऊपर कोई नहीं, उनकी सखियों को देखो, सखाओं को देखो, वो बुढ़ा बुढ़ी कोई नहीं, क्यों, भगवत प्राप्ति करके भगवान को प्राप्त किया है। इसलिए जगत में कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहते, कारण क्या है, कहते हमारे जो मूल पिता श्री कृष्ण श्री राम है, भगवान राम 11,000 साल तक थे, राज्य तो किया था, लेकिन भगवान के रूप में कभी दाढ़ी नहीं देखोगे, कभी मोच नहीं देखे होंगे, गोप कभी नहीं देखोगे, वो दाढ़ी नहीं था। कृष्ण 125 साल तक थे, लेकिन भगवान को कभी बूढ़ा रूप में देखते हो, 14.5 साल से भगवान की उम्र कभी ज्यादा नहीं होता है। इसलिए हम भी चाहते हैं हर समय जवान ही बने रहे, कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहते। इसलिए चवन प्रास कहते हैं, जीम जाते हैं, क्यों, बूढ़ा बनना नहीं चाहते। अगर बाल अगर पक गया तो फिर कलर कर देते, क्यों, बूढ़ा बनना नहीं चाहते। कारण क्या है, हमारे जो प्रभु भगवान कृष्ण है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम जीवन भर भी इसी ज्ञान के लिए, कोई सीए, कोई हैं डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक मूर्खों को अगर मूर्खों बोल दो ना, उसको क्रोध आ जाता है, किसी बोल व्यक्ति को बोल तेरा दिमाग नहीं है, वो क्या बोलेगा, मेरा नहीं ना तेरा नहीं है। मतलब कोई अज्ञानी बनना नहीं चाहते, क्यों, भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप और भगवान आनंद स्वरूप है। देखना जिंदगी भर आनंद ही ढूंढ रहे है ना, क्यों, भगवान सच्चिदानंद रूपाय भगवान। इसलिए वो फिर सच्चिदानंद तो कब प्राप्ति होगा, बोले जब हम ठाकुर की शरण में जाएंगे, उनकी शरण में जाने पर ही जीव को ये आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधक सजे आहय तुकि अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। फिर प्रश्न होता है, भगवान की शरण में ही मिलेगा,
लेकिन हम तो आप बोलोग हम सबके सब तो प्रभु की शरण में ही है। बताओ जगत में कौन प्रभु का शरण में नहीं जाना चाहते, कौन भक्ति नहीं करता है, सब तो कर रहे कि नहीं, लेकिन कैसे करनी चाहिए। तो उन्होंने दो बात बताया, दो तरह से करनी चाहिए। पहला नंबर है भक्ति में कोई कामना वासना नहीं, निष्काम होकर के भक्ति करनी चाहिए हैं। लेकिन हमारी भक्ति कैसे, देखो ठाकुर को पास में गए, 10 रुपया की माला नहीं तो फल लेकर गए, ठाकुर को दिया, देखना उसमें तो पर्ची होगा कम से कम 10 करोड़ की होगी, है कि नहीं। ठाकुर जी 10 रुपया की फल नहीं तो माला दे रहा हूँ, हमारी 2 मंजिल मकान हो जाए, 3 मंजिल मकान, नहीं तो ऐसे गाड़ी हो जाए, नहीं तो हमारी बेटी की शादी, बेटा का शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, देखना कितने कम से कम 10 करोड़ की पर्ची होगी। वो तो भक्ति नहीं होगा, तो बिजनेस हो गया है। कहते नहीं, भगवान को अहेतु की भक्ति में कोई कामना वासना नहीं हो। लेकिन आप बोलोगे क्यों, हम तो घर गृहस्थी है भैया, हमें तो चाहिए ना दुनियादारी तो चीज चाहिए, हम तो साधु संत ही नहीं, हम कुछ नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए चाहिए। बोले देखो भगवान से मांगने का जरूरत नहीं है, जब तुम उनका बेटा बन जाओगे, जब उनकी बेटा बन जाओगे, वो तो अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, जब उनकी भक्ति मांगोगे, प्रेम मांगोगे, सारी संपत्ति का मालिक तो तू ही बनोगे। हनुमान जी भगवान से भक्ति मांगे, देखो सारे संपत्ति उसको मिला है। जब उसके बेटे तुम बन जाओगे, मांगने का जरूरत नहीं। अगर कोई बेटा बोलता है पिताजी को, पिताजी सारी संपत्ति मेरे नाम पर लिख दो, तभी सेवा करूंगा, नहीं तो कोई सेवा नहीं करूंगा, ये बेटा का धर्म है क्या? नहीं, बेटा का धर्म पिता माता की सेवा करो, करने पर सारे संपत्ति तो तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए उसको मांगने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे, इसलिए उनको भक्ति करो। वो इतने चीज देने वाले, ऐसे संपत्ति देने वाले तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम दोनों हाथ से कितना लोगे अगर वो 1000 हाथों से अगर दे रहे। इसलिए केवल निष्काम होकर भक्ति करो। दूसरी नंबर बताए भक्ति कैसे करनी चाहिए, उदाहरण देकर समझाए। जैसे आप जैसे शहद को ऐसे डालो ना, देखना उसमें एक धागा बन जाती है, हैं? इसलिए भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले निरंतर जमाई, निरंतर 24 घंटा में 24 घंटा उसकी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में कोई रोकावट नहीं रहनी चाहिए। आप बोलोगे भैया आप कह रहे हो दिन भर क्या भजन करके दिन भर माला लेकर बैठेंगे तो फिर हमारे घर गृहस्थी कैसे चलेगी। आप कहते हो 24 घंटा उनको भक्ति करो है, फिर हमारे घर गृहस्थी कैसे चलेगी। देखो ये चीज को समझो, ये चीज को अच्छे तरह समझ लो। ये भागवत में जितने कथा आई ना, आप देखोगे त्यागी संतों की कथा बहुत कम है, ज्यादा गृहस्थ की कथा है। आप बताओ परीक्षित महाराज त्यागी संत थे ना, गृहस्थ थे, वो गृहस्थ थे। आप बताओ अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे ना, त्यागी थे। भरत महाराज गृहस्थ थे ना, त्यागी थे। ये गोपियां गृहस्थ थी ना, त्यागी थी। सबके सब गृहस्थों की कथा आ रही है इसमें, वो त्यागियों की कथा, एक दो त्यागी कथा, सब सब गृहस्थ की कथाएं। आप बताओ भगवान की जगत में सबसे जो बड़े भक्त है ना, ये ब्रज की गोपियां थी। ये गोपियां भगवान की सबसे बड़े भक्त थी, लेकिन वो गृहस्थ थी। लेकिन घर में जो कुछ काम करती थी, हाथों में ठाकुर को सेवा मान कर करती थी और मुंह में ठाकुर का नाम लेती थी। इसलिए हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की, ठाकुर जी की, बस हो गया। गोपियां घर में झाड़ू लगाती हैं, बोले कहां झाड़ू लगा रहे हो, बोले ठाकुर जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर रसोई बना रही हैं, बोले किसके लिए बना रहे हैं, बोले ठाकुर को भोग लगे। बच्चे को थपथप लगाकर सुलाती हैं, बच्चे किसने दिए, बोले ठाकुर ने दिया, ठाकुर के बच्चे हैं, इसलिए हम उसको पालना करती हैं। इसलिए हाथों में काम करती थी लेकिन मुंह में क्या करती थी, ठाकुर जी की नाम लेती थी। बोले गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो दरबार छोड़ने का जरूरत नहीं। हमारी भक्ति में ठाकुर कहते हैं जिस घर में ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति होना, वही घर ही वृंदावन है, वही घर ही।
वृंदावन है, इसलिए कुछ भी छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज प्रभु का भक्ति में जोड़ दो, ठीक है ना। हाथ में काम करो और मुंह में भगवान की नाम लो, बस यही भक्ति। कोई भक्ति थोड़ी कोई कठिन चीज है, भक्ति सबसे सरल चीज, ठीक है ना। इसलिए कहते तभी ये आत्मा को शांति मिलेगी जब संपूर्ण रूप में काय मन वाक्य संपूर्ण ठाकुर की भक्ति में डूब दोगे, प्रभु की शरण में जाएंगे, तभी जीवन में परम शांति और सुख मिलेगा। और कलयुग में जो सबसे सरल जो उपाय किया है भगवान को पाने का, बोले कली युग के बलना माधारा, कली युग के बलना माधारा, कली युग के कलयुग में भगवान को पता है कलयुग का जीव ज्यादा परिश्रम कर नहीं सकते। सत्ययुग में भगवान को ध्यान करके प्राप्त करते थे, हजार हजार साल तक बिना खाए पिए तपस्या करते थे भगवान को पाने के लिए। लेकिन देखा कलयुग में इतना कर ही नहीं सकते कोई, एक दिन अगर कोई व्रत करे ना, एक दिन उपवास करे, बोले कोई काम करो, बोले आज हमने व्रत रखा है, मतलब एक दिन भी भूखे हम रह नहीं सकते। और सत्ययुग में देखो हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तक उन्होंने खड़े होकर के एक अंगुल में खड़े होकर भजन किया, एक अंगुल में खड़े बिना खाए भी। वाल्मीकि ने वाल्मीकि मतलब क्या, दिमक लग गया शरीर में पूरा के पूरा राम राम करते करते, लेकिन कलयुग में कर ही नहीं सकते। त्रेता युग में था यज्ञ, लेकिन देखा त्रेता युग में यज्ञ भी कलयुग में संभव नहीं, क्यों, सबसे पहले तो हवन सामग्री शुद्ध होनी चाहिए, दूसरी शुद्ध होनी चाहिए घी, घी में तो मिलावट है, तीसरी शुद्ध होनी चाहिए ब्राह्मण, अभी ये संस्कृत पढ़ते ही नहीं, हर्स्व दीर्घ प्लुत तीन स्वर से मंत्र उच्चारण करनी चाहिए। अगर गुटका कोई खा करके मंत्र पढ़ रहा है उल्टा पुल्टा चीज खा करके, वो मंत्र मुंह से निकलती नहीं, वो शुद्ध ही नहीं। और एक बार यज्ञ कर तो सबसे पहले बोलेंगे इतना 1,000 रुपया चाहिए, भैया कहाँ से रोज रोज यज्ञ करे, पैसा कहाँ से लाए। तृतीया युग में था सेवा पूजा अर्चन, अभी ठाकुर को सेवा पूजा अर्चन करने के लिए भी बहुत सारी चीज की जरूरत, बच्चा मिलकर लाओ, दूध दही शक्कर दूध कहाँ से लाएंगे इतने। इसलिए भगवान बोले भैया कलयुग में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का नाम लो, हाथों में जो करो ठाकुर को सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो, बस इतने से तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। इसलिए बोले कलयुग को केवल, केवल मतलब क्या है, कलयुग में ठाकुर का नाम के सिवाय और कोई उपाय नहीं। इसलिए कलि संतरण उपनिषद में बताए बोले हरे नाम हरे नाम इव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बोले कलयुग में हरि का नाम को छोड़ करके गति नहीं, गति नहीं, गति नहीं। तीन बार बताए, बोले तीन बार क्यों बोले, एक बार बोल देते ना, बोलिए कलयुग का जीव है ना, वो एक बार बोलो सुनेंगे नहीं, तभी इधर उधर कहीं भटकते रहेंगे, इधर हाथ मारेंगे इधर हाथ मारेंगे। बोले नहीं, तीन बार मतलब हरि का नाम को छोड़कर कोई गति नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलयुग में कितने सरल है, बोले नाम नाम कारी बहुधा, ठाकुर को कितने नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर निज सर्वशक्ति स्तत्र अर्पिता, भगवान कलयुग में सारे शक्ति दे दिया, पर नियमित स्मरण नकाल। ठाकुर ये नहीं बताए नहीं तुम सवेरे कर सकते, दोपहर में नहीं, दोपहर में कर सकते, रात में नहीं, कभी भी कर सकते हो। इसलिए नियमित स्मरण नकाल, ऐसे ठाकुर जी की कृपा। लेकिन महाप्रभु कहते हैं मैंने इतने सरल उपाय रख दिया, तभी कलयुग का जीव हरि का नाम नहीं लेते हैं,
इसलिए हमारे श्री एक रूप गोस्वामी कहते, ध्यान देकर सुनो, कहते जो व्यक्ति हरि का नाम करेगा उसका तीन काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? जो हरि का नाम लेगा उसका तीन काम हो जाएगा। कल मैं पूछूंगा क्या क्या काम होता है, आज मैं बताता हूँ। देखो कितना महिमा, जो हरि का नाम लेगा, पहला काम चित्रगुप्त को, जम महाराज चित्रगुप्त को नहीं, सब जो गुप्त मतलब छुपा करके जो सारे हमारे फटक ले रहा है, वो चित्रगुप्त को जम महाराज बुलाते हैं, बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ से काट दो। बोले किस लिए? बोले हरि का नाम ले रहा है ना, वो कभी और नर्क नहीं जाएगा। कभी ताली बजाओ सबके जोता, कभी और व्यक्ति नर्क नहीं जाएगा, क्यों? ठाकुर का नाम ले रहा है। बोले दूसरा काम क्या है? बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है, बोले रजिस्टर ले आ। बोले किस लिए? बोले इसका नाम भी यहाँ चढ़ा दे, लिख दे। बोले क्यों? बोले हरि का नाम ले रहा है ना, वो कभी नरक नहीं जा करके सीधा भगवान की धाम को जाएगा, ठाकुर जी को धाम को जाएगा। बोले तीसरा काम क्या है? बोले ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आरती की थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले किस लिए? बोले हरि का नाम ले रहा है ना, जब वो व्यक्ति भूर भूव मोह जना और सत्य लोग को पार करेगा, मैं उसको मैं आरती उतारूंगा, उसको मैं आरती उतारूंगा। इतने महिमा हरि नाम लेने का। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बोले जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम। बोले हे अर्जुन, मेरे नाम को कौन ले सकता है? बोले एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म तक जिसने ठाकुर को पहले जन्म में सेवा पूजा की है, वही व्यक्ति इस जीवन में हरि का नाम को ग्रहण कर सकता है। इतने महिमा हरि नाम ग्रहण करने का। इसलिए हम लोग जरूर हरि का नाम करना। महाप्रभु कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, और कौन सा नाम जपनी चाहिए? ये जो हरे कृष्ण महामंत्र, ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं। बोले पार्वती, बोले इति ईश्वर सक नाम नम कली कलमसनासन। स्वीकार है, मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकर जी कहते पार्वती, यद्यपि भगवान की अनंत हरि कथा अनंत है, लेकिन कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र को ही विशेष पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है ना। ये 16 नाम 32 अक्षर ही कलयुग का पाप को नष्ट करेगा। इसलिए आप लोग सब हरि नाम करो और जीवन में शांति और सुख में रहो, ठीक है। कथा को हम यही विश्राम देते हैं। प्रज्वलता आरती ले आए, आरती करने लगे, ये भजन गा। हाँ देखो, मैंने कल बताया था एक एक भक्त लोग 10-10 भक्तों को लाएंगे, मुझे लगता है आप लोग सब लेकर के आए हो। ये ताली बजा आप लोगों के लिए सबसे, मुझे लगता है जो जिसको लाओगे, गुरु जी कहते थे आप जिसको कथा में लाओगे ना, उसको जो पुण्य मिलेगी भक्ति, जो लाने वालों को आधा मिल जाएगी। इतने महिमा भगवान की कथा में ले आने का, ठीक है। और कल भी देखो यहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था है, कोई चिंता नहीं, कथा सुना उसके बाद में प्रसाद लेकर के जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या प्रसाद बनाना, लेकिन प्रसाद तो बना बना हुआ प्रसाद है, इसलिए सबके सब प्रसाद खा करके जाना। प्रभु जी आरती लाए, आरती लेकर के आओ, तैर तक ले। I'm not afraid of the dark.
Thank you.
भागवत की आरती करो, भागवत की आरती ले आओ, आरती ले आओ, आरती ले आओ, एक सेकंड जगन्नाथ की आरती कर रहे हो, आरती ले आओ, भगवान की आरतियों को Oh,
देखो जब तक द्रौपदी हाथ नहीं उठाए ना कृष्ण ने बस्ती नहीं दी, इसलिए सबको शरीर को थोड़ी सी हिलाते हुए तो कीर्तन करना। कुछ माता है ना जो मोटे मोटे राम चंद्र वाला छोड़ा देखा।